क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय एवं कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय बृहद रोजगार मेले का आयोजन शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में किया गया। इस अवसर पर दीक्षा भवन में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर सीताराम जायसवाल, विशिष्ट अतिथि सेवा योजन के निदेशक प्रांजल यादव, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, हिंदुया वाहिनी के प्रदेश महामंत्री पी के मल, जिलाधिकारी के विजेंद्रन पांडियन, अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रभुनाथ, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के तिवारी सहित कई अधिकारी और बेरोजगार युवक मौजूद रहे। मेले का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर अतिथि ने विभिन्न कंपनियों से आए कंपनी के प्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया, जिसके पश्चात अतिथियों का अभिनंदन उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करके किया गया। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो, ऐसी मंशा शुरू से ही केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की रही है। युवा देश का भविष्य है। जब युवाओं को रोजगार मिलेगा तो देश भी विकास की ओर तेजी से बढ़ेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल, सेवा योजन के निदेशक प्रांजल यादव और जिलाधिकारी के विजेंद्रन पांडेय ने कहा, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में मेरा अभिभावक के रूप में भूमिका निभाने वाले और रोजगार कौशल विकास मिशन का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की महत्ता क्या है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि पूरा देश आगे बढ़े, तो आगे कैसे बढ़ सकता है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री वर्षी नारेश्वर प्रणुज महाराज जी का यह सपना है कि हमारा देश के युवा पूरे विश्व का नेतृत्व करें, कैसे कर सकते हैं। एक दो उदाहरण के सामने आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। आप जानते हैं कि जब सवा साल पहले आपके मुख्यमंत्री के रूप में पूज्य महाराज जी आपने जिम्मेदारी में उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी और इसके पूर्व चार साल पूर्व मोदी जी ने देश की कमान आप मुझे द्वारा सौंपी गई, उस समय कितना परिवर्तन चारों तरफ एक उत्साह का माहौल था, क्योंकि देश विदेश में भारत की जो प्रतिष्ठा गिर रही थी माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ, एक अलग दिशा उसकी तय हुई। और पिछले सवा साल पहले जब आपने गोरखपुर से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लिया है, तो पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व की मीडिया की नजर उत्तर प्रदेश की सूरतपुर में आ गई कि ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति, ऐसे निष्ठावान व्यक्ति, ऐसे अपने आप में एक आगे बढ़ने की सोच रखने वाले ऐसे धार्मिक नेतृत्व को आपने उत्तर प्रदेश की रामसौरी जो युवाओं के देश की धरती एक रिसर्च का विषय हुआ और लगभग 37 पुस्तकें पूज्य महाराज जी को ऊपर पूरे विश्व के लिए उन्होंने लिखी है, आपके लिए गर्व का विषय है। लेकिन हम तो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं कि रोजगार कौशल विकास मिशन की माननीय मोदी जी के माननीय योगी जी का सपना, इसके बारे में एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। मैं 79-83 बैच से डीएमबीटी कोलकाता से इंजीनियर हूँ, मर्चेंट नेवी की नौकरी के लिए वहां पे मैंने ज्वाइन किया और बाद में मुंबई जाकर नौकरी ढूंढने लगा। आप लोग भी बहुत सारे लोग जो रोजगार पर हैं, रोजगार ढूंढने के लिए कहीं कहीं बॉम्बे पुणे या अन्य जगहों पे जाते हैं। जब वहां पे गया तो उत्तर प्रदेश के इस पूर्व उत्तर प्रदेश स्टेशन के बहुत सारे लोग मिलते थे, इंजीनियर मिलते थे, फिटर मिलते थे, वेटर मिलते थे। जब मैं उनसे पूछता था कि कहाँ से हो, तो अकेले तो मुझे बताते थे कि मैं आजमगढ़ से हूँ, गोरखपुर से हूँ, बलिया से हूँ, मैं बस्ती से हूँ, उत्तर प्रदेश के अन्य किसी जगह से हूँ। लेकिन जब वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जब मैं बात करता था, मिलते थे, तो इस क्षेत्र का होने से वो अपने आप को बताने से परहेज करते थे, क्योंकि इस क्षेत्र के जो लोग बाहर नौकरी ढूंढने जाते हैं उन्हें एक गाली करके भैया वहां पे भैया करके गाली दी जाती थी और एक हेय दृष्टि से देखा जाता था। और लगातार मैंने इसको देखा कि जब भी वहां सार्वजनिक स्तर पे लोग अपने आप को उत्तर प्रदेश को एक क्षेत्र से भूमिका अपने आप को वैसे देखने से, लेकिन अकेले लोग बताया कि जो कौशल विकास आप सभी लोग कर रहे हैं,
एक छुट्टी जो राजनीति की धारा गलत दिशा में जा रही थी उसको पुनः परिभाषित करने का काम कुछ नाराज जी ने किया। एक कौशल विकास का काम वो उस क्षेत्र में भी कर रहे हैं और हम सब आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि कौशल विकास में अपना योगदान कैसे दें, एक उदाहरण के साथ मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। बंधु मैं जब इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी शादी हो गई तो मेरी पत्नी डॉक्टर हैं, वो मेरे साथ बाहर में मैं हॉलैंड को समय पहुंचे था नीदरलैंड्स में एम्स्टरडैम में था तो गए कि वहां घूमने चले गए और यहां पे हम लोग की शादी के बाद मैं जब डॉक्टर ज्वाइन कर लिया तो यहां पे बाई प्लेन हो गई वहां पे। आज जब हमारे शिप पे वो पहुंची तो मुझे देख के वो पहचान नहीं पाए थे, हेलमेट लगे थे, सेफ्टी गियर था, सेफ्टी शूज थे। तो एज एन इंजीनियर जब मुझे वहां पे लगभग 4.5-5 लाख रुपए महीने की डॉलर में लगभग 1500 से 1800 में आते थे तो वो मुझे पहचान नहीं कि मैं वही हूँ। बंदो काम करना कैसे काम करना है इसे हमें सीखने के बाद क्योंकि आपसे जुड़ी हुई समस्या है इसे आपके बीच में मैं शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि प्रदर्शन कम है भारत में, एक आदमी दो सामान बनाता है, कॉस्ट प्रोडक्शन ज्यादा है, हम वर्ल्ड मार्केट में कंपीट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो जो वो फाइंडिंग सामने आई ट्रेन हो के किसी जॉब के लिए जाता है तो अगर वेल्डर है या फिटर है तो जब उसे अपना काम दिया जाता तो उसे अपना काम पूरी तरह से मालूम नहीं होता क्योंकि जब कारण से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। राष्ट्रीय फॉयल सिक्योरिटी के ऊपर में बीबीसी ने जो रिसर्च किया और अपने पेपर प्रस्तुत किए, लोग जॉब ज्वाइन करते हैं, जॉब में कुछ देर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनसे जब एम्प्लॉयर काम देता है और काम लेने के बाद जब वो सीख जाते हैं तो दुबई या मस्कट की ओर अपना रास्ता अपना लेते हैं और पुनः हमारा रास्ता नई ट्रेनिंग की ओर अपने नए। तो हम लोगों की नौकरी के लिए आज हमारी सरकार
जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में आई है, युवाओं को रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस कार्यक्रम में युवाओं को रोजगार देने के लिए गोरखपुर में 120 कंपनियां आई हुई हैं और 22,000 युवाओं ने 8 तारीख तक आवेदन सेवा योजना, कौशल विकास योजना और अन्य योजनाओं के तहत किया है। हमारे एमडी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि युवाओं नौकरी देने के लिए कंपनियां आपके दरवाजे पर आई है। जब आदमी पहली नौकरी पाता है तो उसे थोड़ा सा कम तनख्वाह मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी गुणवत्ता, आपकी कार्यशैली अच्छी होती जाती है, कंपनियां उस हिसाब के आपके वेतन में तुरंत वृद्धि करती है। यहाँ जितने भी कंपनियां आई हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि महंगाई का युग है और इन बच्चों को उतना वेतन अवश्य दें कि इनका भरण पोषण आसानी से हो सके। मैं सरकार के अधिकारियों को जो प्रयास युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए कर रहे हैं, मैं उनकी भी बहुत बहुत सराहना करता हूँ। बच्चों, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत युवाओं का देश है, जहां दुनिया की आबादी बूढ़ी हो गई, वहां भारत का नौजवान दुनिया में रोजगार पाने की ताकत रखता है, जरूरत है उन्हें तलाशने की और यह पे हमारी सरकार काम कर रही है। अनुरोध करूंगा कि आज का ये कार्यक्रम और इस अनुष्ठान पर के माननीय खान साहब जो आध्यात्मिक नेता की होंगे और आपसे अनुरोध है कि आप यहीं पर हैं तो ऐसी यहाँ आए हुए सम्मानित एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, छात्रों और मीडिया साथियों और गोरखपुर आम नागरिकों बाय बाय। आप जानते हैं ये ऐसे अवसर मुश्किल से पूर्वांचल में मिलता। मैं एमडी साहब को, मिशन डायरेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ ताकि पूर्वांचल का बच्चे गरीबों हम लोग कक्ष लेके जा रहे हैं, 10,000 बच्चे का नौकरी 2 दिन के अंदर मिल सके, उसके लिए तो लगातार उन्हें प्रयास करते हुए करीब तो 150 से 200 कंपनियों से संपर्क करते हुए यहाँ कंपनियां आए हुए हैं दूर दूर इलाका से, देश विदेश से, वो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। सर जिला प्रशासन की ओर से मैं आश्वस्त करता हूँ जो कितने बच्चे हैं यहाँ आएंगे सारे सुविधा हम लोग जिला प्रशासन की ओर से पूरा करेंगे और यहाँ एम्प्लॉयर को भी जो सुविधा चाहिए वो पूरा व्यवस्था करेंगे। हम जो आप लोगों का सरकार का लक्ष्य मंशा है, किसी भी व्यक्ति उन्हें शक्ति बेरोजगार नहीं रहना चाहिए था, उसी दिशा में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों का रोजगार देने के लिए प्रयास करेंगे। सर इस कार्यक्रम गोरखपुर में लाने के लिए मैं आपको जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। Thank you.
सेवा योजना के तहत हमारे एमडी साहब ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है और लखनऊ से चलकर के गोरखपुर सरकार की योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाने के लिए, इससे आज जो है इस पर 22,000 युवाओं ने आवेदन किया नौकरी के लिए। विभिन्न कंपनियां अपने देश से आई हुई है, बॉम्बे है, गुजरात है और भी लखनऊ है, यहाँ से आई हुई है। इन युवाओं को रोजगार देगी और पूर्वांचल के युवा हैं, 3 जिले के हैं यहाँ पर, आजमगढ़ के हैं, आपके गोरखपुर के हैं और भी 1 जिले के हैं, तो इनको काफ़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। और जो सरकार की हमारे मोदी और योगी जी की योजना है कि युवाओं को हर वक्त को हम रोजगार देंगे, वो सपना गोरखपुर में सरकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और यहाँ के युवा काफ़ी खुश है इस व्यवस्था में और सरकार के कौशल विकास योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट के तरफ बहुत से युवाओं को स्किल डेवलप किया जा रहा है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कुम्हारी का क्षेत्र हो, इलेक्ट्रिक का क्षेत्र हो या कृषि यंत्र का क्षेत्र हो या तरह तरह के यंत्र बनाने के काम कौशल विकास के तहत किए जा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में हमारे हर युवा का अपने काम होगा और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। उत्तर प्रदेश युवाओं की राजधानी है, युवाओं की बहुत बड़ी संख्या है और युवा हमारा रोजगार पाएगा तो उत्तर प्रदेश तरक्की करेगा। आप मोदी जी और योगी जी के रूप में मैं इस आयोजन के लिए हमारे डायरेक्टर साहब जी को जो लखनऊ से चलता हमारे बीच में है तो बहुत बहुत बधाई। इनपुर में ये जॉब फेयर आयोजित हो रहा है, 9 जून आज है, कल भी है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे साथी हैं उन सभी से आग्रह है कि आएं। कंपनीज 100 के ऊपर संख्या में, 100 से अधिक कंपनियां यहां पे आई हुई हैं, बॉम्बे, दिल्ली और पूरे भारत से कंपनियां आई हुई हैं और अभी तक जितना रजिस्ट्रेशन हुआ है 30,000 से अधिक नवयुवक रजिस्टर्ड हैं और वो तो आ ही रहे हैं। मेरा आपके आपके थ्रू ये अनुरोध है सबसे, अधिक से अधिक लोग आएँ और इस मौके का, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। और 18,000 से ऊपर वैकेंसियाँ हैं, 18,000, तो एक अच्छा अवसर है। सरकार की ओर से हम लोगों ने यह प्रयास किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिक से अधिक हमारे स्टूडेंट्स को रोजगार। पूरा पूर्वांचल के एक तरफ से एक मुहारा के रूप से हम लोग गोरखपुर में आज और कल तो ये प्रारंभ किए हैं, एक रोजगार मेला। उसमें तो आप जानते हैं यहाँ 18,000 वैकेंसी बनाने के लिए करीबन 150 से 200 कंपनियाँ आए हुए हैं, बहुत विदेश से, देश से और अन्य प्रदेश से, मुल्क से भी आए हुए कंपनियाँ हैं। उन लोगों भी उन लोग हम लोग लगातार टच में है, इसलिए तो अच्छा व्यवस्था भी की इन लोग आने जाने के सारे चीज़ का। उस पर 8,000 रुपया से लेके 1,00,000 तक का जो नौकरी है वो देने के लिए इन लोग इच्छुक हैं। जो मान लीजिए 10वीं कम है, अनपढ़ है, उन लोगों को भी तो सिक्योरिटी गार्ड और इत्यादि उसी पे तो नौकरी का फायदा मिलेगा। और अच्छा व्यक्ति है जो पढ़े लिखे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनको 1,00,000 तक के पैकेज मिलने को भी, इसलिए जो छोटे से लेके बड़े कंपनी तक तमाम रेंज में लेके आए हम लोग, उस पर भरोसा कर रहे हैं हम लोग। तो अब तक का बीट अप देखिए, हमने करीबन 10,000 का बच्चे आ गए, ये तो हम उम्मीद कर रहे हैं कम से कम तो 20-30,000 बच्चे आ जाए, ताकि कम से कम 19:2 रेशियो में आएंगे तब सिलेक्शन में थोड़ा फायदा रहेगा, उन लोगों को भी थोड़ा आसानी रहेगा। आपके माध्यम से मैं सारे बच्चे के ये बस ये सूचना देना चाहता हूँ, जिला प्रशासन आपको थोड़ा सहयोग करेगा, कितने बच्चे इसी पे पार्टिसिपेट करने चाहते हैं कृपया करके www.sevayojan.nic.in उसी वेबसाइट में जाके रजिस्टर करें। फिर वहाँ नहीं कर पाए, यहाँ मौके पे आएँ, 2 फोटो बायोडाटा के साथ यहाँ रजिस्ट्री तुरंत करा देंगे, आपके इंटरव्यू के लिए हम लोग व्यवस्था करें। ये मौका का फ़ायदा उठाएँ और ज़्यादा संख्या में आ जाए।